अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज कुमार है और इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा लेटविया के हवाले से कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो काइंडली इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि भाई कौन सी मुश्किलें हमें आएंगी, कौन कौन से हमें चीज़ें चाहिए लेटविया की एडमिशन के लिए और लेटविया के वीज़ा के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें कुछ लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, तो उसको मैंने नोट डाउन किए हैं और वो चीज़ें मैं आपसे इधर इस वीडियो में शेयर करूंगा और डिस्कस करूंगा सारी की सारी चीज़ें। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये जो रेड कलर का बटन देख रहे हैं इसको आप क्लिक करके या नोटिफिकेशन के आइकन पर आप दबा दें इसको बटन को, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन जितनी भी मेरी वीडियोज़ आएंगी लेटविया के हवाले से वो आपके सारे के सारे आपको वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, लेटविया के हवाले से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा यहाँ पर और सारी की सारी आपकी जो कन्फ्यूजन है वो यहाँ पर दूर हो जाएगी। और पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी गेट एडमिशन इन एनी यूनिवर्सिटी इन लेटविया, ठीक है, आप इस वीडियो का अगर पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा भाई हम किसी भी लेटविया में हम किसी भी यूनिवर्सिटी में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी कंसल्टेंट विदाउट आइल्स। ठीक है, तो आप इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हम अभी एक चलते हैं कि हम क्वेश्चन एंड आंसर कुछ करते हैं, ठीक है, आप लोगों को कुछ चीज़ें इसमें पता चल जाएंगी। ठीक है, अभी इस वीडियो ये जो मैंने लास्ट में वीडियो बनाई थी तो इसमें मेरे से कुछ लड़कों ने क्वेश्चन पूछे थे, वो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ और इसके आंसर मैं यहाँ पर दे देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये आप लोगों से रिलेटेड क्वेश्चन है जो भी ये आप यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर एक लड़के ने पूछा फहीम बुगटी ने कि मेडिकल एग्जामिनेशन भी होती है क्या? भाई मेडिकल एग्जामिनेशन तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी अगर वो मांगती है तो फिर तो आपको देना पड़ जाता है, ठीक है, लेकिन अगर आप वहाँ पर जाते हो सिर्फ TRP कार्ड बनाने के लिए तो सिर्फ वहाँ पर आपकी चेस्ट एक्सरे एक की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, TRP के लिए, नॉट फॉर द एडमिशन। ठीक है, एडमिशन आपको बिल्कुल ऐसे मिल जाएगी, उसकी कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ चेस्ट एक्सरे होगा, आप वहाँ पर जाके TRP के लिए करवाओगे, ठीक है, इसमें बाकी कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा भाई एक क्वेश्चन पूछा है कि इन केस वीज़ा ना लगे तो फीस कितनी रिफंड होती है? भाई फीस डिपेंड करता है, ठीक है, 5% मोस्टली जो यूनिवर्सिटी जितनी भी फीस होती है, यानी कि अगर आपकी 3200 यूरो पर ईयर की फ़ीस है आपकी, तो सिर्फ यूनिवर्सिटी जब आपको रिफ़ंड कर रही होती है वो आपको सिर्फ 5% या 3% टैक्स काट के आपको रिफ़ंड करेगी। ठीक है, 5% जो लेटवियन ला के हिसाब से 5%, यानी कि अगर 3200 यूरो तो आप 5% काट के आपको समथिंग 2800 या 2900 यूरो आपके अकाउंट में वो सेंड कर देंगे। ठीक है, लेकिन रिफ़ंड आपको जब करेंगे जब आपका कोई केस बिल्कुल आपका एक रिफ्यूज़ हो जाता है या आपको OCMA से नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है या आपका AIC से नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है, तीन तरीक़ों से आपको रिफ़ंड हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई कर देते हो, फीस जमा करवा देते हो, उसके बाद बोलते हो कि 10 दिन के बाद यार मुझे फ़ीस रिफ़ंड चाहिए, तो उस टाइम यूनिवर्सिटी आपको फ़ीस रिफ़ंड नहीं करेगी। मैं आपको बता देता हूँ, फ़ीस आपको रिफ़ंड नहीं करेगी। आप लोगों जब तक कोई केस यानी कि कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं आ जाता किसी से तो आपका केस उस जब तक आपको फ़ीस रिफ़ंड नहीं मिलेगी। ठीक है, इसमें भी अगर आप लोगों को और भी ज़्यादा डिस्कस करना है तो फिर मेरे से आप यहाँ पर क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये फिर कोई यूनिवर्सिटी जहाँ आसानी से वीज़ा मिलेगा? भाई यूनिवर्सिटी की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं लेटविया में उन सब यूनिवर्सिटी का वीज़ा रेशो सबका अच्छा है। ठीक है, डिपेंड नहीं करता वीज़ा रेशो यूनिवर्सिटी पर, डिपेंड नहीं करता, यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे देती है। ठीक है, ये वीज़ा आपका केस पर डिपेंड करता है, भाई आपकी सारी चीज़ें लीगल हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है, अटेस्टेड हैं, बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको सही मिला हुआ है, यानी कोई आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो आपको वीज़ा लाजमी मिलेगा आपको। ठीक है, गैप आपका कितना है लेकिन गैप मैटर नहीं करता है मैं बेसिकली। हाँ, मैट्रिक के बाद की कोई स्टडी वीज़ा? भाई मैट्रिक के बाद आपको लेटविया में कोई स्टडी वीज़ा तो नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन मैट्रिक के बाद अगर आपका कोई डिप्लोमा किया हो तो आपको कोई लेटविन लैंग्वेज में आपको वहाँ पर कुछ मिल सकता है। ठीक है, लेटविन लैंग्वेज में आप करवा सकते हैं, उसके बिहाफ पे आपको वीज़ा मिल सकता है। ठीक है, स्टडी बिहाफ पे तो आपको मुश्किल मिलेगा, यानी कि आप इंटर के बाद ही बैचलर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इफ ब्रदर बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल फॉर स्पॉन्सरशिप? येस भाई, हाँ, आप अपने भाई की बैंक स्टेटमेंट भी शो करवा सकते हो, बैंक भाई की, फादर की और मदर की। ठीक है, ये बैंक स्टेटमेंट आपकी एक्सेप्टेबल है, ठीक है, इसको आप स्पॉन्सर के तौर पर शो कर सकते हो, ब्लड रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं आप अपने मामू की या अपने खाला की या अपने स्टेट में शो कर दी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है, डू यू गिव स्काइप इंटरव्यू फॉर एडमिशन? भाई स्काइप इंटरव्यू डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी आपकी लेती है कि नहीं लेती। अगर मोस्टली जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो 2 या 5 2 to 5 मिनट का एक इंटरव्यू लेती है, शॉर्ट इंटरव्यू होता है जिसमें आपका आपके बारे में पूछते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ,
एंड आपके कोई फ्रेंड्स हैं वहाँ पर लेटविया में, आपने ये यूनिवर्सिटी किस तरह फाइंड की, तो समथिंग लाइक इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। 10 क्वेश्चन होते हैं इसमें, सिंपल क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल। अपॉइंट इन उज़्बेकिस्तान इज़ ईजी टू गेट फॉर इंटरव्यू। भाई आजकल थोड़ी सी मुश्किल इसलिए कि लोग बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पर जा रहे हैं उज़्बेकिस्तान में इंटरव्यू के लिए, तो इजी तो नहीं है कि इंटरव्यू वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेना या सब कुछ लेना इंटरव्यू के लिए, लेकिन आप अप्लाई कर दो एक या दो मंथ, दो से तीन मंथ में आपको जॉब आ जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। और भी देख लेते हैं भाई इधर, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आस्क फ्रॉम यू एंड हाउ मच स्टडी इजी फ्रॉम पाकिस्तान एंड व्हेन स्टूडेंट कैन फेल इन देयर सेमेस्टर सो दे सस्पेंड स्टूडेंट और डिपोर्ट। यार मैं आप लोगों को बता दूं, अगर वहाँ पर जाके आप अगर फेल हो जाते हो किसी भी सेमेस्टर में, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, किसी भी सेमेस्टर में आप फेल हो जाते हो तो वो आपको निकालेंगे नहीं, आपको मौका देंगे, ठीक है ना। आप दोबारा उस सेमेस्टर को आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। डिपोर्ट तो आपको वो करेंगे भी नहीं पहली बात, ठीक है, आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा फिर आप खुद ही जाओगे, डिपोर्ट विपोर्ट का कोई सीन नहीं है, ठीक है। डिपोर्ट जब करते हैं जब आपका कोई आप वहाँ पर जाके कोई इशू बना देते हो, ठीक है, आप किसी को मतलब एक इलीगल कोई केस का किसी ने आपके केस कर दिया या किसी को मार देते हो या समथिंग लाइक कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हो जिसमें आपका ये डिपोर्ट केस होगा, अदरवाइज डिपोर्ट का तो कोई सीन है ही नहीं, ठीक है। सस्पेंडेड स्टूडेंट यानी कि यूनिवर्सिटी अगर आपका वहाँ पर केस आपने फेल हो गया तो एक बार चांस देगी, दो बार, ज़्यादा तीन बार चांस देगी, उसके बाद आपको वो यूनिवर्सिटी बोलेगी कि भाई आप कोई दूसरी यूनिवर्सिटी देख लो या तो आप चले जाओ पाकिस्तान। तो उसी टाइम आपके वीज़ा अगर दो महीने तीन महीने के अगर आपके पास वीज़ा है तो आप फ़ौरन किसी यूनिवर्सिटी में उसी टाइम ही एडमिशन ले सकते हो, ठीक है ना। अभी एक दो लड़के थे इंडिया में जिन्हों को मतलब जो फाइनल ईयर का सेमेस्टर वो मास्टर का थीसिस होता है वो क्लियर नहीं हो रहा था, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ने उनको निकाल दिया, तो वो अभी किसी और यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं, तो ये इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये भाई बोल रहे हैं कि स्टडी कितनी ईजी है पाकिस्तान से, या है पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा ईजी है स्टडी वहाँ पर, पाकिस्तान में तो यार बहुत ज़्यादा मतलब चल रहा है, यहाँ पर एक प्रैक्टिकल वर्क भी होता है बहुत ज़्यादा थियोटिकल, वहाँ पर होते हैं कि लोग वहाँ पर मतलब वो टीचर बहुत अच्छे होते हैं वहाँ पर, आप टीचर से बना के रखोगे टीचर आपको मार्क्स दे ही देते हैं, ठीक है। बाकी ये कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आस्क फ्रॉम यू, कहाँ पर इंटरव्यू के दौरान पूछ रहे हो आप लोग, ये कहाँ पर पूछ रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल होते हैं भाई, आपके हवाले से आप अपने आपके अपने बारे में पूछते हैं या आपका लेटविया के बारे में पूछते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये। मैं आपको क्वेश्चन आंसर अगर आप लोग मांगोगे तो मैं आपको पर्सनल शेयर कर दूंगा इंटरव्यू के क्वेश्चन, ठीक है, तो इसमें आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है भाई। भाई इतने ही क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है भाई। एक और क्वेश्चन मेरे से लड़के ने बार बार पूछा है कि भाई वहाँ पर जाके हम जॉब किस तरह हासिल कर सकते हैं, कौन कौन सी जॉब हम कर सकते हैं, ठीक है। यार वहाँ पर मल्टीपल जॉब्स होती हैं लेटविया में, मैं आप मेरी बात आप ज़रूर सुनिएगा सही से, ठीक है। लेटविया में मल्टीपल जॉब्स होती हैं, आपको वहाँ पर आप जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हो तो आपको डिपेंड करता है कि आप वहाँ पर कौन सी जॉब करते हो, ठीक है। लोग ज़्यादातर जो वहाँ पर पाकिस्तानी इंडियन वो करते हैं डिश वॉशिंग की जॉब, पैकिंग की जॉब, यानी कि जो फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पर पैकिंग की जॉब करते हैं, ठीक है। ये सिंपल जॉब होती है, ठीक है, पैकिंग की जॉब मतलब सही है, इतना ज़्यादा वो उसमें वो नहीं होता। डिश वॉशिंग की जॉब यार थोड़ी सी टफ होती है, यानी कि आपको 10 घंटे तक बस वॉश ही करना है आपको, तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि फिर तो इस तरह की जॉब्स होती हैं। उसके अलावा ITN एक कंपनी है, कॉल सेंटर कंपनी है। ज़्यादातर जो इंडियन नए लड़के, पाकिस्तानी बहुत सारे लड़के हैं लेकिन इंडियन जो ज़्यादातर लड़के हैं वो ITN कंपनी में जाते हैं, कॉल सेंटर है USA का, ठीक है। वो ज़्यादातर उसके जो क्लाइंट्स हैं वो USA के क्लाइंट्स होते हैं जो टिकट परचेसिंग का काम है, ठीक है। कॉल सेंटर ITN के बारे में आप अगर नेट पर सर्च करोगे तो ITN के बारे में आपको पता चल जाएगा, ITN इन रीगा, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आप 800 से 2000 यूरो तक कमा सकते हो, ठीक है। वहाँ पर सिर्फ उन्हों का क्या सेशन होता है, आप जाके वहाँ पर अप्लाई करो, ठीक है। किस तरह अप्लाई करना है वो भी मैं आगे जाके आपको बता दूंगा, ठीक है। वहाँ पर आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पर आपको एक 15 जब वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, जब इंटरव्यू आपने दे दिया उसके बाद आपको एक ट्रेनिंग के लिए बुलाएंगे, 15 दिन की ट्रेनिंग देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 15 दिन ट्रेनिंग में आप सिलेक्ट हो गए तो उसके बाद आपको वो हायर कर लेंगे, फिर आपको क्या करेंगे वो 20% कमीशन पे रखेंगे, ठीक है। जैसे ही आपकी अपनी ग्रोथ होती है जो 20% से वो 30% कर देंगे, तो इस तरह आपकी 2000 यूरो तक अर्निंग हो सकती है, ठीक है। लोग हमारे बहुत सारे दोस्त पाकिस्तानी हैं वहाँ पर ITN में काम कर रहे हैं, मेरे अपनी एक जॉब वहाँ पर ITN में लगी थी लेकिन मैंने की नहीं क्योंकि मुझे पाकिस्तान आना था। अब मैं शायद जाके सितंबर में ITN ज्वाइन करूँ दोबारा, मैंने मतलब मेरा इंटरव्यू तो क्लियर हो गया, मैं अभी ट्रेनिंग सेक्शन में जाऊँगा, 15 दिन की जो ट्रेनिंग सेक्शन होती है, ठीक है, मैं उसमें जाके ज्वाइन करूँगा। तो ये एक सबके लिए बेनिफिशियल है, मतलब एक
बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा सबके लिए, ठीक है। और दूसरी बात ये, मैं अभी कुछ वेबसाइट्स भी होती हैं लोग जो वहाँ पर अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे ही आप लेटविया में पहुँचोगे तो आप वहाँ पर ss.lv एक वेबसाइट है, ss.lv, ये आप नोट कर लें। लेटविया में जो बैठे हुए लड़के जो लेटविया पहुँचने वाले हैं, जो लेटविया जाएंगे, वो सब ये नोट कर लें, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको इंग्लिश में पता चल जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई आप कौन कौन सी जॉब कर सकते हो, उसमें रिक्वायरमेंट क्या है। ज़्यादातर ये रशियन और लेटवियन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन आप लोग देखिएगा कि आप लोगों की कौन सी मैच हो रही है। लेकिन ये अप्लाई सब जगह पर कर लें आप। यहाँ पर जो मैंने पैकिंग की बताई थी, पैकर की जॉब आप यहाँ से देख सकते हैं, या कोई भी यहाँ पर आप अपनी रिलेटेड जॉब या वैकेंसीज में आएंगे, ये देख रहे हैं वर्किंग वैकेंसीज, यहाँ पर आप लिखें पेकर, ये आप देख रहे हैं पेकर, एक और जगह पे पेकर आ रहा है, रैपिंग एंड पेकर। इस जगह पे आप क्लिक करेंगे तो ये पैकिंग की जॉब यानी फैक्ट्रीज में जॉब होती है। ये तकरीबन आपको 600 से 800 यूरो पर मंथ का दे रहे होते हैं, और 4 से 5 दिन का इनों की शिफ्ट होती है, 7-8 घंटे की शिफ्ट होती है, ठीक है। तो आप इस जगह से आप अप्लाई, ये देख रहे हैं 600 से 650 यूरो तक आपको ये देते हैं, ठीक है। लोग हमारे पाकिस्तानी लड़के इसमें भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे लड़के जो, ये बहुत अच्छी कंपनी है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो यहाँ पर लड़के काम कर रहे हैं, ठीक है। इनकी आप रिक्वायरमेंट जैसे आप ओपन करोगे किसी भी जॉब को, तो यहाँ पर इनकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ये कितना है और आपको देंगे, पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ठीक है। इनके 650 यूरो तक आप कमा सकते हो इस वेबसाइट पर, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पर जाके सीधा इनको सेंड एन ईमेल कर सकते हो, डायरेक्ट फ़ोन नंबर भी कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट फ़ोन नंबर भी करके आप उनसे बात कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि भाई जो वहाँ पर जॉब हासिल करना चाहते हैं वो ss.lv को फॉलो करें, ठीक है। इस पर इंशाल्लाह आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। इस पर मैंने भी अप्लाई किया था तो मुझे भी एक जॉब यहाँ पर मिल गई थी, ठीक है। और दूसरा ये कि फेसबुक पे ग्रुप है जॉब्स इन रेगा लेटविया, तो उसको भी फॉलो करेंगे तो वो उधर भी आपको जॉब बहुत सारी असाइन होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा जॉब नहीं आती, ज़्यादातर जॉब ss.lv पे अपलोड होती है, ठीक है। ये वैलिड जॉब होती है, ऐसा नहीं है कोई फेक अपलोड कर दीजिए भाई यूरोप है, यहाँ पर सारी जॉब्स ये वैलिड जॉब्स हैं, ठीक है। तो आप इसको पूरा देखें ss.lv को, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये क्या है, lv यानी कि लेटविया है, ठीक है। और दूसरा एक और क्वेश्चन बंदे ने भाई मेरे से पूछा था कि भाई वहाँ पर हम जैसे ही लेटविया में पहुँचें तो चीप हॉस्टल कौन सी है, हम कहाँ जाके रहें, हमें मतलब सबसे कम वाला रेट बताओ। भाई पहले तो मैं आपको बता दूँ, जब भी आपका वीज़ा लग जाए और टेस्टिंग हो जाए तो आप अपना एक बंदोबस्त करें, कोई भी आपका फ्रेंड हो, कुछ ऐसा कॉन्टैक्ट निकालें जो वहाँ पर बंदा बैठा हो लेटविया में, ठीक है। उसको बोलें कि यार कोई अपार्टमेंट में मेरे मुझे एडजस्ट करो, अपार्टमेंट में अगर वो एडजस्ट करता है तो आपका कम से कम आपका 100 यूरो में आपका एक महीना निकल जाएगा, ठीक है। 100 यूरो रेंट आएगी तकरीबन, ठीक है। या कोई बंदा मतलब वहाँ पर किसी भी रूम में, हॉस्टल में कहीं से अरेंज करवा लो, किसी के साथ एडजस्ट रहोगे, मतलब एडजस्टमेंट या शेयरिंग करोगे तो बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ जाएगा। कोई नहीं है आपका बंदा तो भाई वहाँ पर आप जैसे ही फ्राइडे को, मोस्टली फ्राइडे को फ्लाइट होती है उज़्बेकिस्तान टू रीगा, फ्राइडे की होती है, मंडे को होती है, ज़्यादातर लोग फ्राइडे को ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है। फ्राइडे को आप नाइट में पहुँचोगे तो फिर भाई कोई अगर आपका नहीं है वहाँ पर दोस्त, आप कहाँ पर जाओगे भाई। जैसे एयरपोर्ट पर उतरो, ठीक है, वहाँ पर एक नॉर्विसिन का एक शॉप है और उस टाइम शायद नहीं खुला होगा, तो आप ऐसा करें या तो टैक्सी कर लें, 8 से 10 यूरो टैक्सी लेती है वहाँ पर। आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको टैक्सी सस्ती मिलेगी, नहीं तो वहाँ पर एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा टैक्सी महंगी मिलती है, तो वहाँ पर तो नहीं करें। आप वहाँ से जाएंगे तो आप सीधा ही आप चले जाएँ ड्रीम हॉस्टल पर, रीगा सेंटर के बिल्कुल मेन चौक पर ड्रीम हॉस्टल है, 5 यूरो पर नाइट की लेगी, लेकिन 2-3 दिन आप वहाँ पर निकालें। मंडे को फिर आप किसी एक हॉस्टल या होटल में, यानी कि आप हॉस्टल अरेंज कर सकते हैं, एक है वन होम हॉस्टल, ठीक है, वन होम के नाम से जो 180 यूरो पर मंथ का लेती है, ठीक है। वो भी हॉस्टल बहुत अच्छी है, वहाँ पर पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर, तो वो भी अच्छी है। बिल्कुल अपोजिट है TSI यूनिवर्सिटी के, जो इस्मा यूनिवर्सिटी के भी करीब लगती है, TSI के भी करीब लगती है, और 2-3 बाल्टिक यूनिवर्सिटी के भी करीब लगती है, 3-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके करीब लगती है, ठीक है। तो वो भी ज़्यादा एडवांस, मैंने खुद वहाँ पर 4 महीने अभी निकाले हैं, तो वो भी अच्छा है। और दूसरी एक हॉस्टल है प्रेमा हॉस्टल, ठीक है, ये 3 हॉस्टल हैं, ड्रीम हॉस्टल, प्रेमा और वन होम। प्राइमा भी सस्ती है, लेकिन वो उसकी थोड़ी सी हॉस्टल थोड़ा सा मतलब इतना ज़्यादा साफ़ नहीं है, तो आप उसमें भी रह सकते हो, ठीक है। तो प्राइमा हॉस्टल में भी तकरीबन 120 to 130 यूरो पर मंथ का आएगा, ठीक है भाई। तो आज के लिए मैं सिर्फ आपको ये चीज़ें बताने के लिए बैठा होता कि भाई आप लोग
जितनी भी क्वेश्चन आंसर रहे हैं उसमें मैं आप लोगों को आई होप के समझ में आ गए होंगे जितनी मैंने यहाँ पर चीज़ें आपको बताई है, ठीक है। ये मैंने पार्ट वन बनाया है, ठीक है। इसके बाद मैं एक और पार्ट टू बनाऊंगा, उसके बाद कंटिन्यूसली ये बनाता जाऊंगा क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। अभी मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो लड़कों ने मेरे से वीडियो पे पूछे थे और कुछ पर्सनली पूछे थे, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी मेरे लिस्ट में हैं और इंशाल्लाह मेरी अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन दोबारा बताता जाऊंगा, बार बार जो जो क्वेश्चन मेरे से रिलेटेड होंगे वो आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। वहाँ पर लेटविया में पहुँच के अगर मेरे से कांटेक्ट करते हैं आप डायरेक्ट, तो मैं आपका भी जॉब में हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। मैं खुद एज ए फ्रीलांसर हूँ, घर बैठ कर काम करता हूँ, मुझे कोई इतनी ज़रूरत नहीं है जॉब करने की बाहर, लेकिन मैंने फिर भी एक जगह पे जॉब की थी, ठीक है। तो मेरा अपना मैं खुद फ्रीलांसिंग कर रहा होता हूँ, तो मुझे इतनी मतलब मेरा खर्चा निकल जाता है और मैं सेविंग भी हो जाती है। अगर वो भी फ्रीलांसिंग का काम सीखना चाहते हैं लेटविया में, तो फिर भी आप मेरी हेल्प करें, मैं आप लोगों की इसमें बहुत ज़्यादा एक मतलब ऐसे समझ लें आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। बाकी और भी जो भी क्वेश्चन है आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखें, ये शेयर करें दोस्तों के साथ भाई, काइंडली किसी की भी बात नहीं माने जो इसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। करेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर किसी के पास नहीं है तो किसी से भी नहीं पूछें। जो लेटविया में जो लोग पहुंच गए हैं उनसे आप हेल्प लें, जो लेटविया में नहीं पहुँचे हैं उनसे हेल्प ना लें। पहले अब मैं आपको बता दूँ, जो लेटविया में पहुँच गए हैं और कोई एक दो बंदे अभी भी हैं यहाँ पर पाकिस्तान में जो अभी लेटविया के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनको भी पता है, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता, लेकिन ये ज़्यादा आप प्रेफरेंस लेटविया जो पहुँच गए उनको प्रेफरेंस दें, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं और मल्टीपल लोगों से ना पूछें, एक या दो लोगों से कन्फर्म करें कि भाई ये चीज़ें कितनी हकीकत हैं, ठीक है। इसी वजह से ये मैंने एक ग्रुप बनाया ताकि आप लोगों एक जगह पे यहाँ पर एक बने रहो आप लोग, ठीक है। इस वीडियो को यार शेयर करना काइंडली और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी क्वेश्चन एंड आंसर की पार्ट टू, वो आप लोगों को नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिल जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।